हो गया पूरा ये दो पंक्ति में नीचे लिख दी रहे जो रह गई थी वो देखो सबसे पहले सेनापति ने इसमें बसंत ऋतु का वर्णन किया है और बसंत ऋतु में उपवन की स्थिति कैसी हो जाती है, बगीचे की स्थिति कैसी हो जाती है उसके बारे में बताया है। वर्ण वर्ण यानी भिन्न भिन्न रंग के भिन्न भिन्न रंग के फूले उपवन की बसंत ऋतु के आगमन में से वन में जो फूल है जो भिन्न भिन्न रंग के जो फूल है वो विकसित हो गए हैं खिल गए हैं। बसंत ऋतु के आगमन पर वन के उपवन के जो फूल है भिन्न भिन्न रंग के जो फूल है वो विकसित हो गए हैं या खिल गए हैं। सोई चतुरंग संग जल लयतु है, सोई चतुरंग संग जल लयतु है। भिन्न भिन्न रंग के फूल ऐसे लग रहे हैं जैसे कोई राजा बसंत ऋतु के राजा अपनी चतुरंगिनी सेना लेकर के आया है। चतुरंगिनी सेना का मतलब है जिसमें चार प्रकार के सैनिक हो, जिसमें चार प्रकार के सैनिक हो उसे चतुरंगिनी सेना कहते हैं, उसे अक्षौहिणी सेना कहते हैं, उसे अक्षौहिणी सेना कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्षौहिणी सेना कहते हैं। जिसमें कौन कौन से होते हैं? पैदल, रथ सवार और अश्व सवार यानी घोड़े पर सवार, और दूसरी हाथी सवार। बसंत ऋतु में जो फूल खिले हुए हैं वो ऐसे लग रहे हैं जैसे कोई राजा अपनी चतुरंगिनी सेना को लेकर के आ रहा है या अपनी अक्षौहिणी सेना को लेकर के आ रहा है। अपनी चतुरंगिनी सेना के साथ दल के साथ वो आ रहा है। ठीक है। बंदी चिमी बोलत वीरत वीर कोकिल है। बंदी चिमी बोलत वीरत वीर कोकिल है। बंदी बंदीजन सेवक या बंदीजन, जिमी यानी जैसे बोलते हैं बोलते हैं। वीरत वीरत का मतलब है यशो गार यश, वीर यानी वीरता और कोकिल यानी कोयल। बसंत ऋतु में जब कोयल बोलती है तो ऐसा लगता है
सेवक या बंदीजन किसी राजा की वीरता का यशोगान कर रहे हो, जैसे किसी राजा की वीरता का यशोगान कर रहे हो। बसंत ऋतु में जब कोयल बोलती है तो ऐसी लगती है जैसे कोई सेवक या बंदीजन किसी राजा की वीरता का यशोगान कर रहे हो। बताओ समझ में आया गया? वीरत यानी यश और सिद्धि, यशोगान, समझ में आ गया क्या? ऐसे लग रहा है जैसे उसके राजा, बता रहा हूं बेटा देखो, ऐसे लग रहा है जैसे जो राजा है, राजा के सेवक उस राजा की वीरता का यशोगान कर रहे हैं, उसका गुणगान कर रहे हैं। कोयल बोलती हुई ऐसी लग रही है जैसे कोई राजा का क्या कर रहे हैं, वो गुणगान कर रहे हैं, यशोगान कर रहे हैं, उसकी वीरता के बारे में गान कर रहे हैं। अब तो गुंजत मधु गान गुण गयतु है, और कोयल के साथ साथ मधु कहनी भवरे भवरा, कोयल के साथ साथ भवरे भी उस राजा का यशोगान कर रहे हैं, उस राजा का यशोगान कर रहे हैं। कोई दिक्कत है? कोयल और भवरे दोनों उस राजा की वीरता का यशोगान कर रहे हैं। शोभा को समाज सेनापति साज आज यशोगान करते हुए ऐसे लग रहे हैं वहां का जो समाज है, वहां का जो वातावरण है वो कैसा हो गया है, सुंदर हो गया है, शोभा से युक्त हो गया है। जो गुणगान कर रहे हैं उससे वहां के समाज की शोभा बढ़ गई है, राजा के समाज की शोभा बढ़ गई है। क्यों? क्योंकि लोग उसकी वीरता क्या कर रहे हैं, गुणगान कर रहे हैं, यशोगान कर रहे हैं, इसलिए वहां के समाज की शोभा बढ़ गई है। या इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि बसंत के आगमन में वहां जब कोयल और भौरे गुणगान कर रहे हैं, भौरे गुंजन कर रहे हैं, तो उस वातावरण का वातावरण है कैसा हो गया, शोभा से युक्त हो गया है। चलिए आगे देखो, सोइया भाई देखो आगे, अरे रुको रुको, अब इसके बाद ये पंक्ति भी है, दो पंक्तियां रहेंगे बेटा जो नीचे लिखी है, देखो आवे आस पास, पहले से पढ़ो आवे आस पास, आवे आस पास कोपल की सुवास। देखो बसंत ऋतु के आगमन से फूल विकसित हो गए, फूल विकसित होने से वह आसपास कुवेपन यानी फूल, कुवेपन का मतलब फूल पुष्प, सुवास यानी गंध, सु और वास, वास का मतलब खुशबू, अच्छी खुशबू, ठीक है ना, कुवेपन यानी पुष्प, बसंत के आगमन से फूल खिल गए हैं और फूल खिलने से आसपास फूलों की गंध हो गई है। चले आगे, सोने के सुगंध मान सने रही तू है, देखो फूल सोने के सुगंध मान सने रही तू, फूलों की गंध की वजह से ऐसे लग रहा है मानो वातावरण सोने पे सुगंध हो गया, यानी वातावरण और भी अत्यधिक आनंदित हो गया। सोने के सुगंध यानी सोना किस रंग का होता है, पीले रंग का होता है ना, किस रंग का होता है, पीले रंग का होता है, यानी बसंत से पूरे वन में पीले फूल खिले हुए हैं, तो ऐसा लग रहा है जैसे हम कहते हैं ना सोने पे सुगंध की कावत सिद्ध हो रही हो, यानी जो वातावरण था वो और भी अत्यधिक आनंदित हो गया था, वातावरण और अत्यधिक सुरम्य हो गया था, वातावरण और अधिक सुंदर हो गया था। माज यानी मध्य, मध्य उपवन के मध्य, उपवन के बीच में जो पीले फूल खिले हुए हैं
और सुगंधित फूल है वो ऐसे लग रहे हैं जैसे सोने में सुगंध की कहावत चरितार्थ हो रही हो। ठीक है, सने यानी लिप्त, लिप्त लिप्त। चले आगे, हेमंत सिंह, हेमंत सिंह, हेमंत क्या दिक्कत है बोल, हेमंत दोबारा देखो, सोने के सुगंध मांस ने रेतु है, वातावरण में पीले फूल सोने के जैसे लग रहे हैं, स्वर्ण के जैसे लग रहे हैं और सुगंधित होने की वजह से ऐसा लग रहा है जैसे सोने पे सुगंध जो कावत है वो सिद्ध हो रही है और वहां का वातावरण और अत्यधिक सुरम्य या और अत्यधिक आनंदित हो जाता है। आगे चले, अब दिक्कत है किसी को, अब देखो सोमा को समाज, इससे वहां का वातावरण कैसा हो गया, सुंदर हो गया है, शोभा से युक्त हो गया है, सुख साज आज और सुख प्रदान करने वाला हो गया है, वातावरण अत्यधिक शोभा से युक्त हो गया है और सुख प्राप्त करने सुख देने वाला हो गया है, बसंत के आगमन से वातावरण अत्यधिक सुंदर बन गया है, शोभा से युक्त हो गया है और सुख प्रदान करने वाला बन गया है। आगे देखो, आवत बसंत ऋतुराज के ये तू, हाँ बोलो बेटा, आज का तो आज होगा कि आज है, साज का मतलब सामग्री सामान, वहां का जो सुख पूरा जो सामान्य सामग्री वो कैसे क्या हो गई, सुख प्रदान करने वाली हो गई है, वातावरण की प्रत्येक चीज सुख प्रदान करने वाली हो गई है, सुख देने वाली हो गई है, बसंत ऋतु के आगमन से वातावरण अत्यधिक सुंदर हो गया है और वहां की प्रत्येक चीज क्या हो गई है, सुख प्रदान करने वाली हो गई है। बोलो और किसी को दिक्कत है, अरे बोलो, चले आगे, आवत बसंत ऋतु राज कही ये तू है, और आवत बसंत ऋतु राज कि आवत यानी आना, बसंत यानी बसंत ऋतु राज ऋतुओं का राजा कही ये तू कहते हैं कि देखो बसंत ऋतु आ गई है और इसे ऋतुओं का राजा कहते हैं, बसंत ऋतु आ गई है और इसे ऋतुओं का राजा कहते हैं। अब देखो इसमें किसी एक पंक्ति में अगर किसी को दिक्कत हो तो बताओ मुझे, एक पंक्ति में अगर दिक्कत हो तो किसी को, अगर दिक्कत हो तो आप मुझे बता सकते हो, कह सकते हो, बच्चा पास हो गया, हाँ चलो बढ़िया है, नहीं नहीं पास हो गया, अब दिक्कत नहीं आएगी, हो जाएगा पास हो गया। हाँ बता बेटा किस कौन सी पंक्ति में दिक्कत है, शोभा वाली किसको दिक्कत हो रही है, नाम बताओ, अंगिता, शोभा को समाज से नापति सुख साज आज, वातावरण अत्यधिक सुंदर होने की वजह से कैसे हो गया, शोभा से युक्त हो गया, सुंदर हो गया है और वहां की प्रत्येक चीज सुख प्रदान करने वाली हो गई है। अब बताओ कोई दिक्कत है किसी को, चले आगे, साफ हो गए इसको, आगे देखो, देखे स्थिति अंबर जले चारी ओर छोर, देखे स्थिति अंबर
जल है चारी और छोर, तीन तलवार सभी को रूप भरे है, तीन तलवार सभी को रूप हरियो है, महाजल लागे ज्योति, महाजल लागे ज्योति भादव की होती चले, होती चले मैं मोजी तू एम मोजी होती चले जलद पवन तन सेग मानो पर्यो है, दारुण तरनी दारुण तरनी तरे नदी सुख पावे सब, सुख पावे सब घर छा है, चित धरियो है देखी चतुराई, देखी चतुराई सेनापति, 10 मिनट ही है कर देंगे पूरा, सेनापति कविता ही की जो ग्रीष्म ग्रीष्म विषम विषम वर्षा की, वर्षा की सम सम करियो है, देखो सेनापति ने इसमें श्लेष अलंकार का प्रयोग किया है, सेनापति ने इसमें श्लेष अलंकार का प्रयोग किया है, श्लेष अलंकार का मतलब है एक पंक्ति में दो अर्थ निकलेंगे, एक ही शब्द के दो अर्थ निकलेंगे और दोनों अर्थों में प्रयोग होने के कारण से इसे श्लेष अलंकार कहा जाता है। देखो देखी चित्ति अंबर जले चारी और छोर, हर पंक्ति के दो अर्थ इसमें, मैं आपको पहले एक अर्थ बताता हूं ठीक है ना, इसमें ग्रीष्म ऋतु का और वर्षा ऋतु दोनों का वर्णन है, इसका क्या वर्णन है ग्रीष्म, हाँ देखो कैसे, देखी चित्ति अंबर जले हैं चारी ओर छोर,
देखो देखे चिति चिति यानी धरती, अंबर यानी आकाश, जल यानी जलना, चार यानी चारों ओर, छोर यानी किनारा। एक पंक्ति देखो पहले, देखे चिति अंबर जले चारी और छोर, देखे चिति अंबर जले चारी और छोर। देखो वर्षा ऋतु की वजह से, देखो वर्षा ऋतु की वजह से धरती और आकाश के चारों तरफ चारों किनारों पे क्या है, जल ही जल है। बताओ समझ में आया क्या यार? देखो चिति अंबर जले चारे और छोर। देखो वर्षा ऋतु में वर्षा भयंकर वर्षा की वजह से चारों धरती और आकाश के चारों तरफ क्या है, जल ही जल है, यानी इसके चारों और छोर यानी चारों किनारों पे क्या है, जल ही जल है। आई कोई दिक्कत इसमें नहीं है? अब इसका दूसरा अर्थ देखो, ये हो गया किसमें, वर्षा ऋतु के संदर्भ में। अब ग्रीष्म ऋतु के संदर्भ में देखो, देखे चिति अंबर जले चारी और छोर, जले यानी जलना, अजले यानी पानी जल। देखो अत्यधिक गर्मी के कारण, प्रचंड गर्मी के कारण जो धरती और आकाश है वो चारों ओर से जल रही है, धरती और आकाश चारों ओर से जलने लग रही है। किस वजह से? अत्यधिक अत्यधिक गर्मी की वजह से। अब बताओ किसी को दिक्कत है क्या? तीन तीन तरवर सबको रूप हरियो है, हरियो हरा, हरियो हरना या छीनना, छीनना छीनना, समझ में आ गया ना? देखो तीन तरवर सभी को रूप हरियो है, सबसे पहले वर्षा ऋतु की बात करें, वर्षा ऋतु में तरवर यानी पेड़ रूप हरियो है, पेड़ों का रूप रंग कैसा हो गया, हरा हो गया, यानी पानी पानी की वजह से सारे पेड़ पौधे कैसे हो गए, हरे भरे हो गए हैं, हरे भरे हो गए ना। बात समझ में आई क्या मुझे, नहीं आई क्या बात समझ में? तीन तरवर सबको रूप हरियो है, सबका रूप कैसा हो गया, हरा भरा हो गया। अब किसकी बात करें, ग्रीष्म ऋतु की बात करें, तीन तरवर सभी को रूप हरियो है, ग्रीष्म ऋतु में तेज गर्मी के कारण पेड़ों का जो रूप था, पेड़ों का रूप था वो कैसे हो गया, पेड़ों के रूप को हर लिया, किसने, ग्रीष्म ऋतु ने, ग्रीष्म ऋतु ने पेड़ों के रूप को हर लिया है, जितने भी पेड़ थे वो सारे के सारे क्या हो गए, सूख गए, सब पेड़ों का रूप हर लिया है, सारे पेड़ पौधे सूख गए हैं। चले आगे, किसी को इन दोनों पंक्तियों में किसी को दिक्कत है क्या? अब देखो आगे, चलो, महाजल लागे ज्योति भादो की होती चले, महाजल महान झड़े जो लगातार बरसात होती है उसे हम क्या बोलते हैं, झड़े बोलते हैं ना, भाद है, आवाज नहीं आई, महाजल लागे ज्योति भादो की होती चले, भा और दव, इसका अर्थ है आग,
महाजय का मतलब क्या होता है? आग। ठीक है ना। अब देखो महाजय महाजय लागे ज्योति भादव की होती चले। एक हो गया भादव यानी आग, और एक हो गया भादव क्यों नहीं आ रही? भाद्रपद कौन सा महीना? अभी सावन चल रहा है, सावन के बाद इससे आगे आने वाले वाला जो महीना है। आवाज नहीं आ रही? क्यों नहीं आ रही आवाज? हेलो आवाज नहीं आ रही? हेलो बिल्कुल नहीं आ रही आवाज? महाजन लागे ज्योति भादव की होती चले, यानी कुछ ही नहीं लिखा। महाजन लागे ज्योति भादव की होती चले कि जो भाद्रपद का महीना है उसमें अत्यधिक वर्षा हो रही है। क्यों नहीं दिख रहा बोर्ड पे? देखो भाद्रपद के महीने में वर्षा की मार चढ़ी लग रही है, अत्यधिक वर्षा होने लग गई है। और ये बात कही है मैंने किसमें? वर्षा ऋतु के संदर्भ में। ठीक है, अब किस ग्रीष्म ऋतु के संदर्भ में? अत्यधिक गर्मी से, प्रचंड गर्मी से, जैसे क्या लगी हुई है वातावरण में? अग्नि, आग लगी हुई है। इतनी भयंकर प्रचंड गर्मी पड़ रही है जैसे ऐसे लग रहा है वातावरण में क्या है? आग ही आग है। ग्रीष्म ऋतु में क्या है? जैसे भाद्रपद के महीने में क्या लगी हुई है? वर्षा की महान जड़ी लगी हुई है, यानी अत्यधिक वर्षा हो रही है। देखो जलद, हाँ बोलो, वापस बताएं। महाचर लागे ज्योति भादव की ओर चले, यानी भाद्र इससे आगे वाले महीना है जो कौन सा है? भाद्रपद का। सावन के बाद भाद्रपद का महीना है। उस भाद्रपद के महीने में क्या है? महाजड़ यानी महान वर्षा की महान जड़ी लगी हुई है। गणित तात्पर्य है कि अत्यधिक वर्षा हो रही है। और ग्रीष्म ऋतु के संदर्भ में इसकी बात करें तो ये कह रहे हैं कि अत्यधिक गर्मी से वातावरण कैसे जैसे आग की तरह जल रहा है। अत्यधिक गर्मी के कारण से ऐसे लग रहा है जैसे महाजड़ जड़े होते हैं ना, बरसात लगातार बरसात कैसे बोलते हैं? जड़ बोलते हैं ना। तो भाद्रपद के महीने में अत्यधिक बरसात की जड़ें लगी हुई है। बताओ किसी को दिक्कत है? होती होती है मतलब होना। बोलो, चलो जो भी अभी बचा है उसको अगली क्लास में करेंगे इसको पूरा, क्योंकि टाइम हो गया है। किसी को दिक्कत है क्या इनमें? इन तीन तीन पंक्तियों में दिक्कत है क्या? तीन पंक्तियों में दिक्कत है किसी को? देख लीजिए हम चले चाहे और चोर सिले चले। ठीक है ना, ये जो बचा है आगे क्लास में पूरा करेंगे इसको, है ना, क्योंकि अब टाइम हो गया है। ठीक है, आवाज नहीं आती उनके पास तू पहले लेता था क्लास।